पर आज का आपका जो टॉपिक है वो है टू डू, आपका है ना वर्ब टू डू। तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ टू डू एक फैमिली भाई दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा। देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है आपका वो है वर्ब टू डू है ना, ये टॉपिक है आपका। और देखो टू डू फैमिली में तीन आता है, डू डज और डिड है ना। यहाँ वर्ब टू डू की बात करें तो इसमें तीन आता है, डू डज और डिड आता है, क्लियर है ना। डू डज और डिड आता है। तो देखो ये डू और डज ये प्रेजेंट का केस है, ये किसका केस है प्रेजेंट वाला है, और डिड ये किसका केस है पास्ट का है, क्लियर है ना। और इसको दो तरीके से यूज किया जाता है, इसको जो है दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो यूज किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा यूज किया जाता है एज अ मेन वर्ब, क्लियर है। दो तरीके से यूज किया जाता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब। और जब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है तो डू या डज ये यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, किसमें यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। लेकिन अगर बात करें डिड, डिड कहाँ पर यूज होता है तो डिड यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। डिड कहाँ पर यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है अगर हम बात करें एज अ हेल्पिंग वर्ब, क्लियर है। और देखो हेल्पिंग वर्ब का जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है तब इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ये केवल टेंस की पहचान बताता है बस, है ना, ये क्या करता है। और एक चीज और है, जहां डू या डज अगर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है तो वहां पर हमेशा भी वन का प्रयोग किया जाएगा, भी वन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई डिड नॉट बेंट टू स्कूल, क्या ये सही है, बोलो आई डिड नॉट बेंट टू स्कूल, भाई पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म है तो हाँ नहीं होगा, है ना। अगर डू डज डिड अगर है तो वहां पर भी वन का प्रयोग किया जाता है, भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता। तो एक तो ये चीज याद रखना, कहीं भी डू डज डिड दिखा तो वहां पर कौन सा फॉर्म आएगा, भी वन आएगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ये सेंटेंस आपका गलत है, ये सेंटेंस आपका गलत है। सही कैसे होगा, तो इस सेंटेंस को अगर सही करना होगा तो ये सही होगा, आई बेंड, है ना, आई बेंट टू स्कूल, ये सेंटेंस कैसे सही होगा, आई बेंट टू स्कूल, क्लियर है। या तो ये ऐसे सही होगा, लेकिन ध्यान देना अगर इसका ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो गलत हो गया, है ना, ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका जो सही फॉर्मेट होता है सही करने का वो होगा कि आई डिड नॉट, यहाँ पर कर दो गो, बेंड को किस में कर दो गो, क्योंकि भाई डिड कह रहा है कि जहां मैं रहूं वहां पर भी वन लगाना, नहीं तो पंगा हो जाएगा, पंगा नहीं लेना है, है ना। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, अब ये सेंटेंस आपका सही होगा। लेकिन ये गलत है और ये भी सही हो सकता है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी आपको इस वाले सेंटेंस को देना, क्योंकि यहाँ सारी कंडीशन फॉलो हो रहा है कि अगर कहीं आपने यहाँ डिड को हटा ही दिया, यहाँ नेगेटिव था पॉजिटिव बना दिए, कैसी बात हुई भाई, क्लियर है ना, समझे। तो ये चीज है आपका, अच्छा ये समझ में है। अब दूसरा क्या होता है, यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज यूज होता है और पास्ट इंडेफिनिट में डू या डज यूज होता है, लेकिन लेकिन लेकिन, अरे डिड यूज होता है भाई, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर, अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर यूज होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, बोलो इसका मतलब क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में या तो भी वन यूज होता है, या तो भी वन में यानी कि फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज होता है कि नहीं, बोलो यही तो यूज होता है, एस या ई एस का यूज होता है आपका, एस या ई एस का यूज होता है, है ना। और यहां पर जब आपने देखा था, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या यूज होता है, वी टू यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, है ना। तो अफर्मेटिव को छोड़कर यानी कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में डू डज या डिड यूज होगा, है ना।
वो बात अलग है कि नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट यूज होगा, लेकिन डू डज डिड यूज होगा और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी वन में एस या तो भी वन, यानी कि आपको पता है ना जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब भी वन में एस या ई एस लगाएंगे, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब एस या ई एस नहीं लगाएंगे। और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होता है, हमेशा क्या लगता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। समझ पाए इतना, क्लियर है? तो ये चीज एक काम करिए, इसे पहले लिख लीजिए, इसे लिखिए ऐसे, देखो तो यहाँ क्लियर है ना, एक मिनट, ये क्लियर है आपका, है ना? जैसे देखो अभी आपने क्या देखा था, यहाँ पर ये यूज होता है एज अ हेल्पिंग, है ना? और जब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तो उस सिचुएशन में क्या निकलता है, डू या डज, है ना, या जो है डिड के साथ में वी वन लगता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, है ना? क्लियर है? डू या डज नेगेटिव में कैसे आता है, डू नॉट या डज नॉट आता है नेगेटिव में। प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव में क्या, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, बोलो, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आप ये बताओगे। लेकिन अगर हम कहते वह स्कूल नहीं जाती है, वह स्कूल नहीं जाती, तो इसकी इंग्लिश क्या बताओगे, सी डज नॉट गो टू स्कूल। समझ पाए, सी डज नॉट गो टू स्कूल। अगर हम कहते क्या तुम स्कूल जाते हो, या क्या वह स्कूल जाती है, तो देखो क्या वह स्कूल जाती है, डज सी गो टू स्कूल। तो देखो कहीं भी जहां डू या डज, अगर हम कहते क्या तुम स्कूल नहीं जाते, तुम स्कूल नहीं जाते थे, अब जाने लगे कोरोना काल में नहीं जाते थे, घर पर बैठ के आराम से एकदम शरीर बनाते, फिर भी नहीं बने, है ना? तुम स्कूल नहीं जाते थे, मतलब यू डिड नॉट। अब यहाँ डिड नॉट कैसे आ गए, क्योंकि पास्ट इंडिफरेंट है, पास्ट इंडिफरेंट में क्या लगता है नेगेटिव में, डिड नॉट, तो यू डिड नॉट गो टू स्कूल। बोलो इतना क्लियर है ना, यू डिड नॉट गो टू, क्या तुम स्कूल जाते थे, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, डिड यू गो टू स्कूल, ये हो गया आपका। अब देखो डिड है भी वन है, डिड है भी वन है, डज है भी वन है, डज है भी वन, डू भी वन है कि नहीं, सब जगह क्लियर है? तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब में ये चीज याद रखना है, क्लियर है? इतना समझे। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है एज अ मेन वर्ब। अब देखो जब डू या डज या डिड एज अ मेन वर्ब यूज होता है, जब डू डज डिड एज अ मेन वर्ब यूज होता है, समझ पा रहे हैं ना, जब डू डज, देखो यहां पर डू या डज या डिड जब एज अ मेन वर्ब यूज होता है, जब किसकी तरह यूज होता है, एज अ मेन वर्ब यूज होता है, तो उस सिचुएशन में कैसे चलता है, देखो डू ये फर्स्ट फॉर्म, डिड जो है सेकंड फॉर्म है, अरे रुक जा, डिड क्या है सेकंड फॉर्म है, है ना, और डन क्या है थर्ड फॉर्म है, क्लियर है ना, और डूइंग क्या है, और डज क्या है एस या एस वाला है, है ना? तो डू मींस होता है करना, जब एज अ मेन वर्ब यूज होता है तो ये फर्स्ट फॉर्म आपका हुआ डू, सेकंड फॉर्म हुआ डिड, और थर्ड फॉर्म हुआ डन, है ना, क्लियर है? और डूइंग क्या है, ये आईएनजी फॉर्म है, और ये क्या है डज क्या, ये एस या ईएस वाला फॉर्म है, समझे? जैसे अगर मैं कहूं वाह, ध्यान से समझना, वाह अपना काम करती है, वह अपना काम करती है, यहां समझना, एक मैं लिखूं वह अपना काम करती है, देखिए अगर मैं कहूं वो अपना काम करती है, क्या कहूं, वह है ना अपना काम करती है। अब यहां से समझो, देखो वह हो गया सब्जेक्ट, वह क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया,
क्योंकि इसके बारे में बात हुई है। और ये देखो करती है, ये हो गया तुम्हारा वर्ब और ये अपना काम, ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह। ये किसकी तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं, ध्यान से समझना, अगर मैं कहूं वह काम करती है, ध्यान से समझना, वह काम करती है, तब यहां पर वह है सब्जेक्ट। वह क्या है? सब्जेक्ट है, क्लियर है। और ये काम करती है, ये तुम्हारा है वर्ब, ये तुम्हारा क्या है? वर्ब है ना। अब यहां ध्यान से समझना, इसकी इंग्लिश हो गई यहां सी हो गया, और करना की इंग्लिश यहां से उठाएंगे, करना की इंग्लिश कहां से उठाएंगे? यहां से, है ना। तो करना की इंग्लिश होती है डू, और सी के साथ में एस या एस लगता है, तो यहां क्या होगा? सी डज, हम एस या एस वाला उठाएंगे, सी डज। और अपना काम की इंग्लिश हो गई हर वर्ग, बताओ समझ में आया। लेकिन अगर मैं कहूं वह काम करती है, तो वह की इंग्लिश क्या हो गई? सी। वह की इंग्लिश क्या हो गई? सी हो गई, क्लियर है। वह की इंग्लिश क्या हो गई? सी। और यहां काम करना की इंग्लिश बच्चा होता है वर्क, वर्क, वर्कड और वर्कड, ऐसे चलता है, वर्किंग और वर्क्स, क्लियर है। काम करना की इंग्लिश क्या होती है? वर्क होता है, वर्क, वर्क बोले तो डब्ल्यू ओ आर के, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? डब्ल्यू ओ आर के ई डी। थर्ड फॉर्म क्या होगा? डब्ल्यू ओ आर के ई डी, वर्कड, वर्क, वर्कड, वर्कड और वर्किंग, और लास्ट में वर्क्स एस लगेगा, क्लियर। अब यहां बताओ काम करने की इंग्लिश क्या होती है? वर्क होता है, लेकिन करना की इंग्लिश क्या होती है? समझ में आया? यहाँ अपना की वजह से, अपना लगने की वजह से ये बन गया है ऑब्जेक्ट, लेकिन अपना ना लगने की वजह से काम करना एक वर्ब होता है ना, वर्क मीन्स काम करना, तो यहां पर होगा सी वर्क्स। तो ये बताओ दोनों में समझ में आया? तो जहां करना का सेंस आए वहां पर लगाना है डू या डज या डिड लगाना है, लेकिन जहां अपना काम करना का सेंस आए वहां क्या लगाना है? वर्क लगाना है। अंतर याद रखना, उल्टा बता रहे सर। जहां करना की इंग्लिश आए वहां डू लगाना है, करना केवल, जैसे वह काम करता है, अपना काम करता है, लेकिन जहां काम करना की बात आए वहां पर वर्क लगाना है, क्लियर है ना, समझे। जहां करना, जैसे यहां करने की बात आई, करते हैं, तो यहां पर हमने क्या लगा दिया? डू का, डू में एस एस तो एस लगता है, तो यहां हमने किया डज, लेकिन यहां काम करना की बात हो रही तो यहां हमने क्या किया? वर्क। अच्छा, इसी का नेगेटिव बनाए तो वह अपना काम नहीं करती है, तो सी डज नॉट डू हर वर्क। अब यहां समझ पा रहे हैं अंतर? देखो इसका नेगेटिव बनाए तो होगा सी, और सी के साथ क्या लगता है? डज नॉट लगता है, तो सी डज नॉट, ये हो गया नेगेटिव वाला केस। अब करना की इंग्लिश क्या होगी? डू होगी, तो यहाँ डू। अच्छा, डू में एस एस लगाए कि नहीं? क्यों नहीं लगाए? क्योंकि डू या डज के साथ भी वा लगता है, तो सी डज नॉट डू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर वर्क। ये समझ नहीं आया? लेकिन अगर हम कहते वे अपना काम नहीं करते तो दे डू नॉट डू हर वर्क, भाई दे के साथ ऐसी है थोड़ी लगे, समझे, समझ में आया। अगर यही पर हम थोड़ा सा मान लो कलाकारी कर दे, क्लियर है, कलाकारी करने का मतलब लोग इनको हटाए और यहाँ पर लगा दिए थी, तो भाई जैसे थी लगा पास्ट इंडिपेंड में गया, और जब पास्ट इंडिपेंड में गया तो डज के स्थान पर क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म डिड हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा कि नहीं, बोलो, होगा। नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर जरा सा सरकाओ और लगा दो था, या थी लगा दो थी, तो क्या होगा? यहाँ सेकंड फॉर्म लगेगा, तो वर्कड होगा, समझे, है ना, क्लियर है इतना, ये चीज आपका। अच्छा ये बताओ समझ में आया? खिचड़ी तो नहीं हो गया सब? क्लियर है ना एकदम? यहाँ पर याद रखना,
प्रेजेंट रहेगा तो डू या डज, और पास्ट रहे तो कोई पंगा ही नहीं है भाई, सेकंड फॉर्म डिड है ना, तो देखना सिमिलर ना प्लूरल सब जगह लगाओ, क्लियर है, इसे करिए। अच्छा लिख लीजिए, देखिए यहाँ सेंटेंस है, तुम अपना गृह कार्य शाम को करते हो, इसको कैसे इंग्लिश में बनाएंगे? गृह कार्य शाम को करते हो, तो देखो यहाँ पर ऐसे दिमाग लगाओ, तुम्हारे बारे में बात करते हैं ना, ये सब्जेक्ट है ना, चलो देखो तुम इधर, तुम अपना गृह कार्य शाम को करते हो, तुम क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, और देखो तुम क्या करते हो, यहाँ देखो सीधा सीधा करने का सेंस है ना, ये तुम्हारा वर्ब है ना, और तुम क्या करते हो तो अपना गृह कार्य, ये अपना गृह कार्य, ये चीज तुम्हारा क्या है ऑब्जेक्ट है कि नहीं बोलो, और ये शाम को ये अदर हो गए है ना, ये जो शाम को बचा आपका ये वाला किसी क्या हो गए अदर हो गए, तो सब्जेक्ट है यू है ना, और यहाँ पर देखो करना का सेंस आ रहा है, काम करना का सेंस नहीं है, करना का काम करना होता तो वर्क लगाते, करना है तो क्या लगाएंगे डू। अब यहाँ यू सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है, यू क्या है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, ऐसे यस नहीं लगाते हैं ना, तो केवल डू लिखो, तो यू डू मतलब तुम करते हो, अब क्या करते हो अपना काम, तो यू डू योर वर्क, यू डू योर वर्क, और कब करते हो शाम को, अरे 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 यू डू योर एच डब्ल्यू मतलब होमवर्क, कब करते हो शाम को, तो इन द इवनिंग, चलो भैया कुछ बच्चे से होमवर्क पूरा पूरा उनको सही नहीं पता, बताओ तो अच्छा समझ में आया, इतना आया तो सीधा सीधा आपको याद ये रखना, अगर करना का संसा है तो डू लगाना है, डू डज या डिड, अगर मैंने कहा देखो मैंने, अब ध्यान से देखना मैंने, इधर देखो भैया मैंने यह काम किया बस, और दूसरा मैंने है ना उस काम को मैं या मैंने काम किया। अब यहां ध्यान से समझना, पहला क्या है मैंने यह काम किया है ना, मैंने यह काम किया, तो अब ये सब्जेक्ट है कि नहीं, और देखो मैंने यह काम किया ये वर्ब की तरह काम किया, और ये काम के साथ यह लगने के वजह से ये यह काम करने लगा ऑब्जेक्ट का, क्योंकि मैंने क्या किया यह काम, मैंने क्या किया यह काम है ना, अभी देखो इसको, अभी इसको समझो है ना, एक तो ये सेंस निकल रहा है और दूसरा क्या निकल रहा है, तो इसके अगर इसके अकॉर्डिंग इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या होगा आई, और करना की इंग्लिश डू, सेकंड फॉर्म डिड, तो आई डिड, और दिस वर्क आई डिड दिस वर्क, लेकिन अब तुम्हारे अंदर मान लो कुछ और सवार हो जाए भूत, मतलब तुम कह रहे हो नहीं नहीं हम तो ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे है ना, मान लो हम ऐसा भी तो मान सकते हैं, देखो ध्यान से देखो मैंने यह काम किया, अब करो हम ऐसे भी तो मान सकते हैं कि मैंने ये हो गया सब्जेक्ट और काम किया ये हो गया वर्ब, और यह ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, मान लो है ना, क्लियर, मैंने काम किया, मैंने क्या काम किया यह, क्या काम चल रहा है ऑब्जेक्ट, अरे मैंने क्या काम किया यह, वैसे ज्यादा आंसर क्या आ रहा है मैंने क्या किया यह काम, लेकिन इसको अगर आप ऐसा मान रहे हो तो आई वर्कड इट, आप ये दिमाग लगाए, ओवर दिमाग लगाए आप और आप फंस गए, इसका सेंस क्या निकल रहा है मैंने है ना, मैंने काम किया या है ना, तो ज्यादा ज्यादा सेंस क्या आ रहा है मैंने यह काम किया आ रहा है ना, देखो
यह के साथ काम वाला सेंस आ रहा है कि नहीं बोलो। सेंस क्या आ रहा है कि मैंने काम किया यह या मैंने किया यह काम, कौन सा ज्यादा आपका? तो यहाँ पर है ना, या अगर ना समझ में आए थोड़ा सा कलाकारी कर दो, यह को सरकाओ और लिख दो अपना, मैंने अपना काम किया, अब तो एकदम क्लियर होगा। अब आप क्या लिखोगे? आई मैंने अपना काम किया। अब आप क्या लिखोगे? आई वर्कड माई, आई वर्कड माई, नहीं लिखोगे ना, गलत हो जाएगा, तो पंगा नहीं लेना है ना, यहाँ माई कर दो। तो समझे, अगर काम के साथ कोई पजेसिव आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, तो वो काम करने लगता है ऑब्जेक्ट का, तो वहां पर करना कि इंग्लिश डू या डिड। लेकिन अगर मैं केवल केवल लिखूं कि मैंने काम किया, तुमने नहीं किया, अगर मैं लिखूं मैंने काम किया, तो अब देखो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई, और काम करने की इंग्लिश वर्क, सेकंड पर क्या हो जाएगा, वर्क। अब यहां पर आप आई डू, आप ऐसे आई डिड वर्क ये भी तो लिख सकते हैं, आई मतलब मैंने, डिड मतलब किया, वर्क मतलब काम। जब आप ऐसा लिख रहे तो ये भी सही है और ये भी सही, लेकिन ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, आई वर्क बोलते हैं, लेकिन ये भी सही हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये सही कर रहे हैं तो इसका मतलब मैंने काम किया, लेकिन ये नहीं पता है हमारा काम था, तुम्हारा था, किसका था। भाई मैंने काम किया कोई ऐसा नहीं बोलता, आदमी ये बोलता मैंने अपना काम किया, मैंने उसका काम किया, मैंने तुम्हारा काम किया, मैंने इस काम को किया, है ना, मैंने काम किया, आई वर्क या आई डिड वर्क, ये भी सही हो सकता है, बट ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, आई वर्कड, बस इतना ही है, डू डज डिड। लेकिन कहीं कहीं पंगा हो जाता है, कुछ ज्यादा पंगा हो जाता है, जैसे अगर मैं कहूं मैंने एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज को कहते हैं व्यायाम कहते हैं ना, मैंने व्यायाम किया, अब हाँ बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई, आप कहोगे करना की इंग्लिश डिड, तो आई डिड एक्सरसाइज, अरे वाह क्या गजब है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, कुछ ऐसे करना वाला है, सुनो सुनो इधर सुनो, व्यायाम करना की इंग्लिश होता है टेक एक्सरसाइज, याद आया कुछ, टेक एक्सरसाइज। हमेशा हिंदी में मत जाना, हिंदी बहुत खतरनाक होती है, बताऊं कैसे खतरनाक होती है, उत्तर प्रदेश के एक आईजी पोस्ट पर पांडा साहब थे, पांडा मतलब ये सच सही घटना है, अपने यूपी में बहुत पहले की बात है, आईजी पोस्ट पर, आईजी मतलब समझ रहे हैं पुलिस में आईजी डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होता है, आईजी पोस्ट पर एक पांडा थे, तो वो क्या करते थे, वो साड़ी पहनकर नाचते थे। अब भाई मीडिया, और बहुत खतरनाक टाइप के थे, किसी की उनसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, मीडिया वाले, एक मीडिया वाला हिम्मत करके गया, सर आप साड़ी पहनकर नाच रहे हैं, आप पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बर्बाद कर रहे हैं। वो तो पहले ये जो जो बोले पहले वो सुना, उसके बाद माइक थी ना, और सीधा बोला ये बताओ पुलिस आ रही है, पुलिस पुलिस आ रही है बोलते हो या पुलिस आ रहा है क्या बोलते हो? तो मीडिया वाला बोले कि पुलिस आ रही है बोलते हो, तो कहते फिर वो बोला तो परेशानी क्या हो रही है, जब पुलिस आ रही है तो परेशानी क्या हो रही भाई, पुलिस मतलब फीमेल हुई, अगर मैं साड़ी पहनकर नाच रहा हूँ तो परेशानी क्या हो रही तुम्हें, भाई हिंदी से पंगा हो जाता है, पुलिस क्या है तुम्हारा, स्त्रीलिंग नहीं है, इंग्लिश क्या मानती है पुलिस को, पुल्लिंग है ना, आप इस, आप क्या हो बोलो, फीमेल, कोई चार रीजन बताओ कि आप फीमेल हो, आप अगर फीमेल हो तो कोई चार कारण बताओ कि फीमेल हो, अब बायो वाला मत बताना, सबको पता है, हाँ सकते हैं बायो वाला रीजन सबको पता है, यहाँ फीमेल बाल है, सब आवाज पतली होती है, लड़कों की आवाज पतली नहीं होती है, हम बाल लंबे रख ले तो हम फीमेल हो जाएंगे, बोलो चार रीजन बताओ आप फीमेल हो, आप अपने आप को प्रूव करो आई एम फीमेल, बताओ अब बताओ। ये होता है, देखो लड़कियों में होता है
इधर इधर देखो, काइंडनेस होता है, दयालुपन होता है, समझो। ऐसे एक छोटे बच्चे को चोट लगती है, दौड़ा दौड़ा आता है, पापा से बताता, पापा उंगली कट गई। अब पापा ये नहीं देख रहे कट गई, दो कंटा और लगा। एक तो बेचारा उसका उंगली का दर्द अलग है ना, और दो चार कंटा और लगा, कहाँ गया था, कहाँ से कटवा के आ गया अलग से मतलब। और मम्मी, मम्मी पास पहुंचा, अरे क्या बच्चा कहाँ कट गया, लाओ ये लाओ वो लाओ दूसरे, मतलब दयालु किसके अंदर, समझे। और बताओ ब्यूटी, ब्यूटी किसके अंदर है, मेल के अंदर की फीमेल के अंदर, बताओ फीमेल के अंदर है। एक लड़की कितनी भी काली हो, मेकअप कर लो, देखो पहचान नहीं मिलेगी। हाँ सब्जी, तो ब्यूटी किसके अंदर है, ब्यूटी किसके अंदर, ये है आपका। और लड़कों का ये कितना भी, ये अगर पाउडर वगैरह लगा ले और गधे लगते हैं, लड़के अगर पाउडर वगैरह लगा ले तो और गधे लगे, एक नंबर के उल्लू के पट्टे लगे, है ना, सही है कि नहीं। अभी मान लो पाउडर जैसे लगा लो तो आदमी कहीं कहीं नहीं खोलते और उड़ते, मतलब ऐसा ऐसा होता है ना। चलो और क्या, और बताओ, चार रीजन बताना है, बताओ। और बताओ, और बताओ, चलो दो खोज कर लाना, ये पेंडिंग है। आप लोग कमेंट में बताना।